इसीलिए तो आपका इस्लाम सलाम फरमाते हैं सहाबी का जो मेरे सहाबा सितारों की माने रहे तो सहाबा इकराम की शान में बेअदबी करना गुस्ताखी करना वो आपको बड़ा जुर्म है। यहाँ तक फरमाते हैं उलमा काबिरी कि जो अगर किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसके लिए राजी नहीं कि वो तौबा करे। इसीलिए तो फरमाते हैं जब बात आए सहाबा की जब बात आए तबाइन की बुलाने की लगती तो अपनी जुबान को खामोश रखो अपने ज़हन को कुशादा रखो ऐसा ना हो कि बेअदबी का एक जुमला बवाले जान बन जाए। क्योंकि एक बात काबिल गौर है कहीं नहीं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमाएंगे। ये अल्लाह की अता है उसका रहम है अल्लाह जिसे चाहे बख्श देंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह जब सो फुला गुनहगार को नहीं बख्शेंगे फुला आबिद को फुला नेक को बख्श देंगे ये दावा नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी है और वो रहीम है वो जिसे चाहे बख्श दे। कई ऐसे वाकयात है कि कई बदतरीन मुजरिम और गुनहगार के जिनको खुद अपने गुनाहों का एहसास था और वो ये सोच के थे कि हमारे गुनाह ऐसे हैं कि हमको सिर्फ जहन्नम में ले जाएंगे लेकिन अल्लाह को उनका एक कोई अमल पसंद आ गया और वो बख्शे गए। एक शख्स रहा है शराब के नशे में कोई अमल नहीं उसका क्या अमल है एक पत्थर जरे रहा था वो पत्थर को हटा कर साइड में रखता है और उसकी बख्शिश हो जाती है। अब देखिए और गौर करें इंसान अपनी जिद्दोजहद मेहनत से यानी कि जिद्दोजहद मेहनत दुनिया के लिए दीनी अंदाज अल्लाह की दुआ के लिए उसकी मोहब्बत में अमल पर अमल करता जाता है लेकिन उसे वो मुकाम नहीं मिलता कि जो एक मामूली से ऐसा अमल कि जो अल्लाह को कबूल हो जाए अल्लाह की जनाब में मंजूर हो जाए अल्लाह को पसंद आ जाए सौ साल की इबादत वाले के बराबर अल्लाह को अजर दे देता है कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर अर्ज करना ये है कि किसी भी सहाबी के लिए गुंजाइश नहीं रखी गई है कि उन पर कोई काम था मुसाफा देखा जाता है कि कुछ कम जहन लोग बस सहाबा पर इतराज करते हैं। अगर और करना चाहिए कि सबसे बड़े सहाबा के अगर कोई दुश्मन है वो राबदी हो और ये महूस या खबीस अक्सर वो बेहतर दावा इकराम की शान में बेअदबी करते हैं। अल्हाफिज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी एक काबिल जय्यद शख्स को पैदा फरमाता है तो उसे मुमताज कर देता है लोगों में और शुरू से उसके अहवाल उसके हालात ऐसे हो जाते हैं पता चल जाता है कि ये वक्त का बहुत बड़ा इल्म वाला बनेगा। चुनांचे अगर हम देखें सुल्तान अलौलिया हजरत सैयदी अब्दुल खालिद जिलानी रहमतुल्लाह अलमारूफ और याद दस्तगीर रहमतुल्लाह कि आपकी विलादत वसादत से 200 साल पहले हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक अजीम शान शख्सियत आज से 200 साल बाद पैदा होगी और उनका नाम भी आप बताते हैं कि उनका नाम होगा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी और ये भी फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा और वो ये कहेंगे अल्लाह के हुक्म से कि मेरा खत्म तमाम औलिया की गर्दन पर। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अल्लाह अगर किसी को बलद फरमाते हैं फरमाना चाहते हैं तो उसे मशहूर कर देते हैं। चुनाचे कई बुजुर्गान ने मिलकर मिसाल के मामला हजरत बिलाल के रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम सरसरी अंदाज में अगर आपको देखें आप जमा को देखें तो हर हिसाब से हर फन के शेख नजर आते हैं आप इल्म हदीस में देखें कि कोई आपसे बड़ा मुहद्दिस तो मुहद्दिस नहीं नजर आता फकीह उल असल में देखे तो आपसे बड़ा फकीह कोई नजर नहीं आता आपके वक्त में।
सौ बंदा में लफादी फरमाई आप हुई। तो इसी तरह अरबी अदब में अगर आप देखें तो आपसे बड़ा इल्म अदब का माहिर कोई नजर नहीं आता। हालांकि आप अजमी हैं लेकिन जब आप अरबी में खिताब फरमाते हैं तो अदब खुद अश अश करके रह जाते कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस अंदाज की अरबी कहते हैं यकीनन काबिल तश्क है। तो इस तरह से अगर हम आपको देखें तो हर तरह की फील्ड में आप माहिर नजर आते हैं। इल्म मंतिक में देखें, इल्म फलसफा में देख लें, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का कोई सानी नजर नहीं आता। फिर इसी तरह से अगर विलायत में देखें तो तमाम वलियों के सुल्तान नजर आते हैं। आप आपकी शान ये है कि विलायत को सल्ब भी फरमाते हैं अल्लाह के फजल व करम से, और आपकी शान ये है कि एक ऐसे को कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता चोर थे उनको विलायत यानी कि खुतुब का दर्जा अता फरमा देते हैं अल्लाह। तो ये तसव्वुफ मिन जानिबुल्लाह अल्लाह की तरफ। तो उन्हीं ऐसी काबिल कदर शख्सियात को इस दुनिया में भेजने का मकसद है, क्योंकि अल्लाह किसी चीज को भी बगैर मकसद के नहीं पैदा फरमाया। अगर एक चिंता भी नजर आता है हमें, एक कंकर को भी देख लो तो उसकी पैदाइश में भी मकसद है, बगैर मकसद के नहीं पैदा हुआ। हाँ हमको पता है दिखता है कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन गलत की बात कि अगर वो काम का ना होता तो पैदा ना होता। अब आसिम तो मैं ना मखलूक ना तो मैं बता दूँ ना फरमा कि किसी चीज को हमने बगैर वजह के नहीं बनाया, तो फिर इतने बड़े इंसान को बगैर वजह के कैसे बना सकता है अल्लाह। अल्लाह हमको इज्जत इंसान की पैदाइश के लिए भी एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या मकसद रखा? वो मखलूक तो जिन्न और इंस इल्ला लियअबुदून, और जिन्नातों और इंसानों को हमने हमारी इबादत के लिए अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत हम कब करेंगे? कब करेंगे अल्लाह की इबादत? कि जब कि हम अल्लाह को जानेंगे, अल्लाह को जानेंगे, अल्लाह से मोहब्बत रखेंगे। तो ये मोहब्बत अल्लाह की किताब है, ये इश्क और ये आमाल हमारे कब होंगे? या उस वक्त होंगे कि जब ऐसी मशहूर शख्सियत कि जिनको अल्लाह मुंतखब फरमाता है और लोगों की दिल को हिदायत के लिए जमीन पर भेज देता है, तो उनकी दिल को हिदायत की वजह से, उनके बात नसीहत की वजह से, उनके अल्लाह की तरफ बुलाने की वजह से हम अब जब अल्लाह वालों के करीब होते हैं तो हम अल्लाह की मारिफत में आ सकते हैं। अगर अल्लाह वालों के बगैर जब तक कि अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार ना हो अल्लाह को हम कमा हो नहीं जानते, नहीं मानते। वो इश्क वो पैदा नहीं हो सकता, आमाल में वो इखलास हरगिज नहीं आ सकता। अब आए और देखिए कि उन्हीं मजबूर शख्सियात अल्लाह को इज्जत सौ साल के लिए मुजद्दिद को मिला और उससे बहुत बड़े काम लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो हजरत शेख उल इस्लाम का मुस्लिमी आलिम बिल्ला मारिफत दस्तगा उस्ताद आला हजरत हुजूर निजाम मौलाना हाफिज शाह मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान बानी जामे निजामिया वक्त के मुजद्दिद आलिम बाअमल हर मैदान में आपको देखें तो आपका सामने नजर नहीं आता हुआ। वक्त के बहुत बड़े आलिम, इल्म अदब के माहिर, इल्म फिकह के माहिर, इल्म हदीस के माहिर, इस हिसाब से हजरत शेख उल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह की मुकम्मल 44 साल जिंदगी 44 साल इल्म के लिए दे दिया। इल्म खिदमत के लिए 44 साल आपने उम्र यानी कि इल्म के लिए दी।
40 में तिलचिले में है आपका नसा, और फिर आपके जो जद्दे आला है हजरत फरमान शाह काबुली अगर हम परिवार के इन्हीं की औलाद में अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े मशहूर और मारूफ मुहद्दे और अहलुल्लाह पैदा हुए, और उन्हीं से हजरत बानी जामिया अगर हम परिवार तशरीफ लाए। आपकी विलादत एक वसादत तेरे नाम है बंधार। आपकी विलादत के वसादत से पहले कुछ ऐसे बात याद हुई कि आपकी वाले माजिदा शादी के बाद औलाद नहीं हुई, हमल पता नहीं हुआ, तो आप उस वक्त के एक मजसूब गुजरो हजरत शमसुद्दीन उर्फ यतीम शाह रहमतुल्लाह है उनकी खिदमत में मेवे भेजते, और जब वो मेवों का तौबा लेकर पहुंचे हैं तो पूछने लगाते हैं आप कि क्या मुझे औलाद होगी, तो हजरत तमीम शाह रहमतुल्लाह ने जो मजबूर बुजुर्ग है वो फरमाते हैं कि हाँ लड़का होगा और इल्म व फजल का मालिक होगा और आला अंदाज का मालिक होगा। फिर चुनाचे जब आपको आप फरमाते हैं आपकी वादे मानिला जब हमल हुआ तो मैं खाब देखती हूँ कि सब बड़े कायनात फसल मौजूदात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खाब में देखा कि आप तिलावत कुरान हकीम फरमा रहे। फिर उसके बाद चार रबी उल सानी को हजरत बानी जामिया आलम हुआ इस दुनिया में तशरीफ लाते हजरत बानी जामिया आले रहमा के वालिद मोहतरम इंतहाई मुत्तकी आलिम जाहिर शख्स थे और आपके जद्दे आला हजरत ताजुद्दीन अलैहि रहमा हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको वहां का खादी मुकर्रर किया था, अदालत अलिया का खादी मुकर्रर किए थे। चुनांचे बानी जामिया आले रहमतुल्लाह के खानदान में यह मदार मुल्क के अंदर में आ गई। 5 साल की उम्र शरीफ में हजरत बानी जामिया आले रहमा नादिर अफगान की तकमील फरमा दी और 11 साल की उम्र शरीफ में हजरत हाफिज मौलाना अब्दुल साहब नामीना अलैहि रहमा की शागिर्दी में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमाया। फिर उसके बाद हजरत बानी जामिया आले रहमतुल्लाह जब हैदराबाद तशरीफ लाए यहाँ पर और शुरू में जब दक्कन तशरीफ लाए तो एक अजीब और गरीब वाकया थी और ऐसे इंतहाई बाबरकत इशारे हैं कि जिस पर अहले दक्कन से आकार का तफलाम बाकी है ये मालूम होता है। हमारी जाने वाले रहमतुल्लाह जब मुलाजिमत अख्तियार फरमाते हैं तो आपकी जो मुलाजिमत थी अकाउंट में हिसाब होता है तो एक मरतबा आपकी मेज पर सूदी फाइल आ गई, सूदी कारोबार के जो लेन देन होता है उसकी कुछ फाइल आई तो आपने जब वो देखा तो फौरन इस्तीफा लिख दिया। देखिए तक्वा तहारत इसे कहते हैं कि आप बताते हैं कि मैं ये सूदी फाइल का ना हिसाब कर सकता हूँ ना इसको तस्वीर कर सकता हूँ लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूँ कबूल कर लें। वो वहां पर कहा जाता है कि ठीक है आएगा क्या रखा जाएगा आपकी मेज पर कभी भी सूदी फाइल नहीं भेजी जाएगी आप मुलाजिमत को छोड़िए, लेकिन आप फरमाते हैं कि नहीं मुलाजिमत तक फरमाएंगे। फिर उसके बाद बानी जामिया आले रहमतुल्लाह 30वीं साल में आपको तशरीफ जो 30 साल है हज के इरादे से तशरीफ ले जाते हैं और उससे पहले अपने वालिद माजिद से सिलसिले कादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया रिफाइया ये तमाम सिलसिलों में आप बैत करते हैं। हल्के के तशरीफ ले जाते हैं वहाँ पर हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से फिर से मुकर्रर तालिक होते हैं और हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग बानी जामिया आले रहमतुल्लाह इल्म बातिन
और उनके जो कमालात हैं वो सब तमाम वहाँ पर तय कर रहे हैं। फिर हजरत हाजी ताबुल्लाह मुहाजिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दकन के मुरीदों के लिए, कौन के मुरीद, के दक्कन में अगर कोई भी ऐसी बात पेश आए तो शेखुल इस्लाम अल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह से रुजू हो और उनसे अपने जो भी मामला पेश करे। तो इतना बड़ा मुकाम मर्तबा अदा फरमा दिया कि दक्कन के लिए हजरत इंदाबुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने आप को जिम्मेदारी दी। अलबत्त मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं और वहां पर आपकी जो हालत है वाली जान रहमान वहीं पर अनवार अहमदी लिख रहे हैं। अनवार अहमदी एक ऐसी किताब आपने लिखी दुरूद पाक पर, इंशाल्लाह कभी आप पढ़ी जहां पर इंशाल्लाह कभी मनाई जाएगी वो किताब फरोख के लिए, एक एक लफ्ज पढ़ने के काबिल था अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद पाक पर इतना बेहतरीन अंदाज से आपने लिखा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, और इसके लिए दुनिया भर के कई बड़े बड़े उलमा आज भी अनवार अहमदी से इस्तेफादा करते हैं, फायदा उठाते हैं। आपके ख्वाहिश थी कि आप मुकम्मल जिंदगी मदीने में गुजर जाए, बस मैं आका का दर छोड़कर न जाऊं वहीं पर रहने का इरादा कर लिया, लेकिन अल्लाह को और उसके रसूल अलैहि सलाम को कुछ और ही मंजूर था। ख्वाब में देखते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाएं और हुक्म दे रहे हैं कि अरबाबुल्लाह दक्कन जाओ और वहां पर एक मदरसा कायम करो, दक्कन जाओ और वहां पर एक मदरसा कायम करो। कितनी बड़ी बात है, ये बात में गौर करें, एक तो कई मदरसा कायम करो ये फरमाएं, लेकिन दक्कन ये को आखा नहीं चुना, मतलब हम जिस सरजमीन पर है हमारी सरजमीन का नाम आखिरी जुबान पर आ गया, देखें और गौर करें। इसीलिए दक्कन में जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह महफूज और महफूज हैं, अपने अकीदे में महफूज हैं, अपने अमल में महफूज हैं, हमारी खुशनसीबी सआदत मंदी है कि आप अलैहिस्सलाम ने हमारी जमीन बना दी। क्या बोलोगे कि दक्कन जाओ, क्योंकि कहीं और भी भेज सकते थे, फरमा सकते थे कि मुल्क शाम गाओ, इराक गाओ, फलां गाओ, नहीं, दक्कन को चुना आपने। क्यों? कि दक्कन अगर हम देखें, क्योंकि गौर नहीं करते ना, अहम बात तो ये है कि हम इस पर गौर नहीं करते, हम जिस जगह है आज दुनिया भर के लोग हमारे शहर पर गौर कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट आई है 8-10 दिन पहले की, शायद बताया जाता है हिंदुस्तान के तमाम शहरों में सबसे बेहतरीन शहर हैदराबाद है, जो रहने के लिए आबो हवा के लिए बिल्कुल सूटेबल है और बिल्कुल सही शहर है। हमें पता ही नहीं इसका कि हमारा शहर कैसा है, नहीं फिर और एक और बात है, यहाँ पर हर जगह का शख्स आकर जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन यहाँ का शख्स कहीं और जिंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों ऐसा है बाबा भाई, हम हैदराबाद के लिए, दक्कन के लिए ये तमाम चीजें क्यों है? क्योंकि हम गौर नहीं करते। अगर हम गौर कर लें तो हमें आसानी समझ में आ जाएगी बात कि जहां पर अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह के औलिया होते हैं, वहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। चुनांचे अगर हम हजरत सीदा अलैहिस्सलाम को वहां पे अहम मिला दे कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलने के लिए गए थे अल्लाह के हुक्म से, हजरत सीदा अलैहिस्सलाम जिस जगह थे वहां पर एक वाकया हुआ कि आप समुद्र के किनारे वुज़ू फरमा रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम एक पकी पकाई मछली ले गए थे साथ में, और ये वाकया कुरान में, क्योंकि आजकल हर चीज में इनकार करने के आदि होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो बस ऐसी बात करने का मैं भी आदि बन रहा हूं कि इनकार करने का आदि हो जाना कोई वहां रहना ही नहीं कोई बात, तो कुरान हकीम में है ये पूरा वाकया, अगर इसका इनकार करने की हिम्मत है तो करो। तो हजरत मूसा को हारून अलैहिस्सलाम बकी पकाई मछली ले गए और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली कि जो आब और हवा में आप है वहां पर जो मुकाम में है वहां की आब और हवा में अल्लाह ने
और ऐसी हयात कि मौत को भी जिंदगी में नहीं मान। हजरत खिदर अलैहि सलाम जिस जगह पर सांस ले रहे थे जिस बिना में आपकी वो जगह जब पहुंचे तो पकी पकाई मछली जिंदा हो गई और समंदर में चली गई। ये औलिया का तसव्वुर है, ये इसीलिए तो फरमाते हैं कि जहां वली है वहां पर मौत को भी हयात है। अब वो वली इस्राइल के वली हजरत खिदर अलैहि सलाम उम्मत मोहम्मदिया के वली हजरत सैयदी मुर्शिदी मौलाई सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ जाए। देखे कि आप वो पकी पकाई मछली जिंदा हो गई या खाई सो तो भी जिंदा हो गई। देखे वहां पर मछली खाई नहीं गई थी सिर्फ पकाई गई थी। यहाँ पर मुनि तनाव फरमाते हैं उसके बाद वाकया तो तभी सबको मालूम है कि ये क्यों हुआ कैसा हुआ। एक औरत अपने बच्चे को लाती है और अब कहती है कि सबका ये बच्चे को मैं आपकी सोहबत में छोड़ती हूँ। मामा जी ठीक है कबूल कर लेते हैं। फिर वो औरत चंद दिनों बाद आती है देखती है तो उस दरों पर उनका युगला बदला हो गया सूखे रोटी के टुकड़े खा रहा है। अब वो बेचारी माँ ममता की मारी बहुत परेशान हो जाती है और तेज खबर उठाते हुए बाजार हौसियत नाम में पहुंचती है। वहां पर देखती है कि दस्तरखान बिछा हुआ है आप मुर्गी तला हो सकता है। अब देखे कि माँ क्या नहीं कहेगी सब तो उस वक्त लेकिन अदब में नहीं होगी बेअदब नहीं थी वो बेअदब होती तो कबूल ही नहीं होती थी ना। वो आज कहती है कि या मौस या शहर ये क्या है मेरे बच्चे को सूखी रोटियों के टुकड़ों को छोड़ दिया आपने और आप तो उम्र में मुसल्लत बना हो फरमाए तो आप जवाब दे दीजिए ऐसा ठीक है मुर्गी खा चुकी हड्डियां पड़ी हुई है वो हड्डियों को जमा करते हैं आप फरमा और ऊपर अपना हाथ फेरते हैं और हाथ रखकर मारते हैं फरमाते हैं उम्मी इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। एक रिवायत ये भी आई उम्मी इज़्नी मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। ये दो रिवायत है उम्मी इज़्निल्लाह उम्मी इज़्नी। तो देखने वालों ने देखा कि पहले वो हड्डियों पर गोश्त पोस्त आया चमड़ी आई उसके बाद बाल आए पर आए फिर मुड़ा खड़ा होकर बात किया ना। तो ये है उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली का तसव्वुर। तो ये ही जो मदारिज है ये मिल जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनते हैं ऐसे खासान खुदा को हर एक को हासिल नहीं होते। अल्लाह वाली जाने आगे मतलब अभिमान चलिए फोको मनाए के दक्कन जाओ और वहां पर एक इस्लामी मदद रखाई करो। चुनाचे माने जाने आगे मतलब अभिमान दक्कन तशरीफ लाते हैं वहां क्या तो बहुत तगीर एक दिमन के लिए लेकिन अब को मुसर कि दक्कन तशरीफ लाते हैं और 1252 हिजरी में जामे निजामिया की दार बैठ जाते हैं। तवक्कुल के बुनियाद पर हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दक्कन ने आप एक मदद आए फरमाए। मैं हर कह रहा था कि हैदराबाद दक्कन हां पूरी दुनिया में इतना फेमस क्यों है बताते बताते बात रहेगी तो गौर करें कभी हैदराबाद को गौर कर ले चारों तरफ से देख ले औलियाए कामिलीन के घेरे में हैदराबाद। इसीलिए हर वक्त रहमतों का लोगो ले यहां पर आप देखिए और गौर करें। इधर देखिए बाबा शब्दुद्दीन का मुकला है इधर देख लीजिए आप हजरत यूसुफैन अलैहि मुतवल्लिबा शाह बदर हुसैन शाह वली अल्लाह रहमान और तमाम बुजुर्गान दीन तमाम बुजुर्गान दीन के घेरे में हैदराबाद। इसीलिए तो अल्लाह की इनायतें हैं रहमतें बरकतें हमेशा जारी रहती वही हैदराबाद तक करती शेख इस्लाम अल मुस्लिम नारे बिल्लाह भी आलम फरमाए मुअज्जिज दकन अल्लाह रहमान भी आलम हजरत बुखारी शाह हजरत रहमा भी आराम फरमाए। तो ये सब अल्लाह के वली जहां है वहां पर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह वाली जाम अलम रहमान तकर तशरीफ लाए जाम निजामे किताब पर लाए 1252 करीब करीब 144-145 साल का तवक्कुल से जो भी काम हो इखलास से उसमें पायदारी रहती है मजबूती रहती है। जामे निजामिया के सामने कई मशहूर उखला आए कई ऊंच नी छाला आए लेकिन जामे निजामिया आज भी अपनी आन बान शाह के साथ पर आए और इन में खिदमात की जारी हो सारी है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल है आका अलैहिस्सलाम की इनायत है और फैजान शेख इस्लाम है।
निजामे निजामिया की अजमत और उसकी बारगाह नबूवत में क्या वहात है, इस मुबारकात से अंदाजा हो सकता है कि जामे निजामिया की तफसील अजलात का मौका है और मुंतजी ने जामिया खाब देखते हैं, वो खाब देख रहे हैं कि आका करीम और करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनाद को तलब फरमा रहे हैं। असनाद जो सनद है, सर्टिफिकेट जो देने हैं वो तलब फरमा रहे हैं। जब वो सनदों को देखते हैं तो उस पर अपनी दस्तखत खास फरमा रहे हैं। ये एहसास है जामे निजामिया को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे निजामिया की असनाद को अपनी दस्तखत से मुतय्यन फरमाया और ये तमाम के लिए खुशखबरी। और ये बात को हम भी जानते हैं और जितने से अलम जानते हैं इसकी कदर करते हैं। आपकी इतला के लिए सऊदी अरब के माहिर उलमा वहां के जब ये चीज को देखे तो वो जामे निजामिया आए और यहां से तालीम हासिल की, जबकि उनको तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं। मौलाना अल्लामा फवादुल बराजी जामे निजामिया तशरीफ लाते हैं और यहाँ पर आकर भी है जबी जामे निजामिया से करते हैं। हालांकि वक्त के बहुत बड़े आलिम है वो, जब उनको पूछा गया कि यहाँ क्यों तो वो क्या फरमाते हैं, वो इसलिए कि मैं निस्बत जोड़ लेना चाहता हूँ क्योंकि जामे निजामिया की असनाद पर हुजूर अली सलाम की दस्तखत खास है। उतने बड़े उलमा ये खदर करते हैं जामे निजामिया के जिसके बानी कि अगर हम इनके हालात देखें तो मुकम्मल उम्र आपने इस्लाम में और कौम की तबलीग में उनको अटीनी अंदाज में लाने के लिए मुकम्मल पर अपनी कुछ तर्फ करना था। बानी जामे आला रहमा का एक खास मशगला था कि जहां भी आप तशरीफ ले जाते वहां पर आस पास में देखते कि कोई मदरसा है या नहीं है, जहां मदरसे की जरूरत होगी वहां पर मदरसे के ताल्लुक से तवज्जो दिला। चुनांचे जब आप ख्वाजा ख्वाजागान ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती अलग अलग रिजवान जो सुल्तान उल हिंद जब उनकी दरबारगाह में पहुंचते हैं हाजिर हो गए तो वहां पर दारुल उलूम मोइनिया किताब पैदा हुई। आज भी दारुल उलूम मोइनिया काम कर रहा है। ये बानी जामिया का फैजान दायरतुल मारिफ ये इसमें आपका बानी है। अब्दुल गन की जो लाइब्रेरी है सत्वल लाइब्रेरी जो आज मशहूर है वहां की जो किताबें हैं तलबा जानते हैं, स्टूडेंट कहीं बैठे हुए जानते हैं कि वो लाइब्रेरी की हकीकत क्या है। एक से एक आला तरीन किताब वहां पर मौजूद है, उस एक एक मुहर्रिक बानी जामे आला रहमा। इस तरह से अगर हम आपके खिदमत देखें बे इंतहा खिदमत, क्योंकि आप उमूर मजहबी के मुशीर थे और उस्ताद आला हजरत हुजूर निजाम उनके उस्ताद थे आप। और ये बात जहन में रखें कि जब कोई अमीर कबीर शख्स के करीब होते हैं तो अपनी मफाद के लिए काम होता है, अपनी जो भी जरूरतें होती हैं उसके लिए मनवाया जाता है, लेकिन बानी जामे आला रहमा कभी भी अपनी जरूरत के लिए नहीं मनवा। एक हुक्म फरमाना था कि आप जो चाहते हो सकता, लेकिन आपने अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया बल्कि आपने जो भी किया कौम की फलाह और उसकी बेहतरी, कौम को इल्म वाला बना दे, तुमने इल्म को आम कर दे, ये मिशन लेकर आप और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इसमें कामयाबी अता फरमाई। और फिर काजियों का जो तसल्लुफ हुआ ये जो निके नामे वगैरह आपको दिए जाते हैं हमारी इत्तला के लिए, ये जो सियाजा देते हैं हम बुकलेट जिसे कहते हैं हम शादी में हिंदुस्तान भर में हैदराबाद तक तक ही वो वाहिद इलाका है कि जहां पर इस तरह की बुकलेट का इंतजाम है, इसके अलावा कहीं भी नहीं, कहीं ये तरीका नहीं है। और इसके फाउंडर भी इसके हुए रवाबी बाकी जामे आला रहमा, इसको आप ही ने कायम फरमाया कि ऐसे बुकलेट होना चाहिए। तो आज हैदराबाद में है ये चीज, कहीं और बदल नहीं आए रजिस्टरों में वगैरह लिख लेते हैं उसमें रंग बदल की भी गुंजाइश होती है, लेकिन बुक लिट में कि लड़की का भी लिखा जाता है लड़की का भी लिखा जाता है ये तो जो मानी जामे आला रहमा।
आप देखते हैं कि मशाइख ने इस्लाम के बच्चे मुर्शिदी घराने के जो वो तालीम और तरबियत उनकी भी होनी चाहिए तो उनके लिए एक अलग कोर्स रखा। फिर यहाँ तक इतनी बारीकी से आपने देखे कि जो मुल्ला होते हैं जो जानवरों को दुआ कहते हैं ना, जैसे मतलब कहते हैं क्या कहते हैं कमेला काम है वही कहते हैं मतलब कहते होते हैं, तो मसालिक में जो दुआ करने वाले लोग थे आप उनकी तरफ तवज्जो फरमाएं कि सही तौर से उसको पढ़ना नहीं आता हा? तो आपने ये निसाब जारी फरमा दिया कि मुल्ला आज भी है वो जामिया निजामिया में मिलता है कि जब तक जो मुल्ला का इम्तिहान कामयाब ना करे वो जानवर दुआ करने का अहल नहीं है। इमामत के लिए आपने एक अलहदा कोर्स रखा, मौसनी के लिए अलहदा कोर्स रखा, फिर ये न जाने कि इस तरह के उलूम का एक लामतनाही सिलसिला आपने जारी फरमा दिया। जामिया निजामिया के जो तालीम निसाब है 16 साल तालीम निसाब और ये तालीम निसाब जो है मदरसा निजामिया जो बगदाद शरीफ में कि जहाँ पर पीरान पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह पढ़े भी हैं पढ़ाए भी हैं वहाँ के निसाब के मुताबिक रखा और जामिया निजामिया का तालीम निसाब के नाम से सब्जेक्ट जो है पूरी दुनिया भर में मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया आलम भी जामिया निजामिया के ये कोर्स को कदर की निगाह से देखती और जामिया के फारिग तलबा जामे अजहर मिस्र जाते हैं और जामे उम्मुल कुरा मदीना मुकर्रमा जाते हैं वहां से आला तालीम और हासिल करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखते जाएं तो मानी जामे के बहुत ऐसे एहसानात है कि जो दुनिया सुन्नियत के लिए आपने काम किया और फिर इतना बड़ा जामे निजामिया जब बना दिया जब उसकी दावत बैठा दी जब जामे निजामिया अपनी मंदिरों में आगे बढ़ते बढ़ते जब एक इस्लामी यूनिवर्सिटी की हैसियत में आज पहुंच गया। खाली और बात एक ये है कि आपने अपने किसी फर्द को उसकी इजाजतदारी नहीं दी कि आपके बाद आपके फर्जंद होंगे फलां होंगे आपके खानदान वाले होंगे, नहीं बल्कि जामे निजामिया को खाइम फरमाया और कौम उलमा के हाथ में दे दिया उसके। यही बात है कि जामे निजामिया ने आज भी जा रही है उलमा और मुकम्मल आमतुल मुस्लिमीन तक करके उनके हाथ में ही जाने जा रहे हैं। तो और करें क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी शख्स को बलद फरमाना चाहते हैं तो उसे इस तरह की उसे काम ले लेते हैं कि जो जिंदगी का बिना मत कर रहे जाते हैं तो फिर दिया मत कर। बस अर्ज करना यह है कि 10 मार्च बाकी जामिया रहमतुल्लाह का उर्फ सराफा उर्स है कि जिसमें सालाना जलवे तफसीम अखलाक की आप तमाम हजरात से अपील है कि वो जलवे में जरूर जरूर तशरीफ लाए। इससे कबल 100वां उर्फ शरीफ मनाया गया 7 साल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके जलवे नगर में भी अजीम शान जलवा हुआ था और जामिया निजामिया के उर्फ से एक दिन पहले वहां पर जलवा हुआ था। आज भी वो जलसे को याद रखा जाता है जामे निजामिया में जब भी मैं पहुंचता हूं तो आज भी कुछ न कुछ अंदाज से याद करते हैं वो जलसे को कि आपका जो जलसा हुआ जेल की नगर इलाके में उससे एक दिन पहले जामिया के मरकजी जलसे से एक दिन पहले बड़ी कामयाबी के साथ। तो यहाँ पर एल बी नगर के अतराफ के बहादुर गुड़े के अवाम ने यह सबूत दिया कि उनका मरकजी इल्मी जो ताल्लुक है वो जामिया निजामिया से और उनके जो मुकम्मल जो उनकी चाहते हैं वो बानी जामिया रहमतुल्लाह के और जो कुछ भी सुन्नियत बाकी है वो सुन्नियत बानी जामिया रहमतुल्लाह और आला हजरत शाह अहमद रजा अल्लाह अलैहिस्सलाम के तहत है। तो ये सब चीजें ऐसी है कि जो हमें जोड़ती हैं बुजुर्गों से जब तक कि हम इनकी तालीमात को नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक हम इन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब इन तक नहीं पहुंचेंगे तो अल्लाह तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। और 6 मार्च बरोज इतवार दो दिन पहले बात कर गई इतवार है सुबह 10 बजे का 1 बजे जामे निजामिया में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस है कि जो दाइश के खिलाफ
दाइश जो एक दहशतगर्द तंजीम है जो अपने आप को इस्लामी हैसियत देती है, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, क्योंकि हकीकत क्या है, उनके नापाक इरादे क्या है, उनके आज़ाइम क्या है, तो उसमें महालजात पेश होंगे। आप तमाम हजरात से मेरी हुज़ूर अर्ज़ है कि जिस तरह से साबिक में आपने अटूट वारिस सही का इजहार किया था और सबूत दिया था, इस बार भी जब इंतजामिया पहुँच कर अपनी अटूट वारिस सही का सबूत दे और जाओ अगर जाओ दोनों महफिलों में जरूर जरूर शिरकत फरमाएं और 11 मार्च को अभी शाम पैमाने पर नादिया मुशायरा भी हुआ करता है कि जिसमें हैदराबाद सिकंदराबाद और हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा इकराम मौजूद होते हैं। तमाम अल्लाह से गुजारिश है कि वो तीनों मौकों पर तशरीफ ले जाएं और जामे निजामिया से अपने कोट वापस तकी का सबूत दें और फैजान बानी जामिया अलैहि रहमतुल्लाह का इलाहा आलमीन का आमिया बन जाए। तमाम कमी